बंटी एक ट्रेन ड्राइवर था। ठंड के मौसम में वो रात 2 बजे अपनी ट्रेन लेकर शिमला के जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक रेड सिग्नल हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है। बंटी अपने साथी हरी के साथ खूब सारी बातें कर रहा होता है। हरी तोता ने कल ही रेलवे में ज्वाइन किया था। बंटी दोनों आपस में खूब हंसी मजाक कर रहे होते हैं। ट्रेन को रुके हुए काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। बंटी कबूतर को बहुत गुस्सा आता है और वो ट्रेन से नीचे उतरता है और वहाँ कर्मचारियों से कहता है, कब से रेड सिग्नल हो रखा है, कितना टाइम लगेगा इस ट्रक को ठीक करने में? जब ठीक हो जाएगा अपने आप ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, आप जाकर ट्रेन में बैठ जाइए। आपको अपने घर जाना है तो हमें भी अपने घर जाना है, हमारी भी फैमिली है। ओके, थोड़ा जल्दी करिए, ठंड में बहुत हालत खराब हो रही है। हालत तो हमारी भी खराब हो रही है, हम भी तो इतनी ठंड में रात 2 बजे यहाँ ट्रैक पर काम कर रहे हैं। आप तो अंदर बैठे अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ? हमें सब पता है सर, मुझे ये भी पता है कि आपका नाम बंटी है। आप चुपचाप ट्रेन के अंदर जाकर बैठ जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। बड़े अजीब हो यार, तुम्हें मेरा नाम भी पता है, ये भी पता होगा कि अंदर जो बैठा है उसका नाम क्या है? हाँ, अंदर जो बैठा है वो हरी है और वो कल ही रेलवे में ज्वाइन हुआ है, मुझे सब पता है सर। इतनी जानकारी कहाँ से आ गई तुम्हारे पास चिड़िया, तुम तो बहुत तेज हो। अगर आप इन सब बातों में लग गए ना तो शायद आप इस दुनिया में ना रहो। ये सुनकर बंटी डर जाता है, वो ट्रेन में आ जाता है। ट्रेन में आने के बाद वो हरी को कर्मचारी चिड़िया की सारी बातें बताता है। हरी तोता हंसते हुए कहता है, ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम बहुत ज्यादा फेमस हो, इस वजह से तुम्हारी सारी जानकारी हो उसके पास। ओ भाई, मैं बहुत सिंपल सा सादा सा पक्षी हूँ, इतना फेमस भी नहीं हूँ कि मेरे बारे में कर्मचारी को भी पता हो। अच्छा, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ, सोच रहा हूँ ट्रेन रुकी है तो बाहर ही चला जाऊँ। ये कहकर हरी तोता बाहर चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद बंटी ट्रेन में बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो जाता है। तभी ट्रेन में एक चिड़िया घुस जाती है। चिड़िया दिखने में बहुत सुंदर होती है। बंटी उस चिड़िया को देखकर कहता है, अरे मैडम, आप कौन है और इस ट्रेन में कैसे? मेरा नाम टुनटुनी है। वो असल में क्या है ना कि मैंने कभी भी ट्रेन में ट्रेवल नहीं किया और ये ट्रेन काफी देर से रुकी हुई थी, इसलिए मैं ट्रेन में आ गई। सो इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ सकती हूँ? देखो मैडम, ये सब ठीक नहीं है, आप जहाँ से आई हैं वहाँ चली जाइए। मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ तो मैं तुमको भी लेकर जाऊंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आप ट्रेन को चलाना शुरू करो, बहुत देर से ग्रीन सिग्नल है और आप ट्रेन को रोककर खड़े हैं। मुझे अगले स्टेशन पर ही रुकना है, आप मुझे बता देना। ग्रीन सिग्नल अचानक कैसे, और मैं अपने दोस्त के बिना नहीं जा सकता, आपको वेट करना है तो करो वरना मत करो। अरे, आपका दोस्त तो कब से आपके पीछे खड़ा है? बंटी जैसे ही पीछे मुड़ता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि हरी की लाश वहाँ लटकी हुई है और सामने बैठी टुनटुनी चिड़िया वो भी एक भूतिया चिड़िया की आत्मा में बदल जाती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, भागो यहाँ से। ये कहकर बंटी कबूतर ट्रेन से किसी तरह से उतर जाता है और भागता भागता एक स्टेशन पर आ जाता है और वहाँ थक हार कर बैठ जाता है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसके पीछे खड़ी हो जाती है। बचकर कहाँ जाएगा तू मुझसे? ये भूतिया रेलवे स्टेशन है, यहाँ जो भी ट्रेन और पैसेंजर आते हैं वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकते, कोई भी तुझे बचाने नहीं आएगा, अब तू मेरा शिकार बनेगा बंटी कबूतर। बंटी गिड़गिड़ाते हुए भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा से कहता है, मुझे बख्श दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो मुझे। लेकिन भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसकी एक भी नहीं सुनती और वो बंटी कबूतर को मार देती है। वहीं वो उस ट्रेन को निगल जाती है और कुछ समय बाद उस रेलवे ट्रैक को भूतिया रेलवे ट्रैक कहकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है।
रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। उस वक्त सभी जंगल वाले सो रहे थे, तभी अचानक से जंगल में भूतिया चिड़िया की आत्मा आती है। आज तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख के मारे तो मेरे सड़े हुए पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इसके साथ ही मेरी खोपड़ी भी फटने को हो रही है। चलो चल कर जल्दी से मैं खाना खा लूं। इतना बोलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा एक घर में जाती है और किचन में से सारा खाना खा लेती है। तभी हरी तोती उसे देख लेती है। हे भगवान, भूतिया चिड़िया की आत्मा, इसे देखकर तो डर से मेरा सर चकरा रहा है। घबरा मत, आकर बैठ मेरे पास, मैं तुझे गाना सुनाती हूँ। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। आखिरी बार अपने भगवान को याद कर ले, क्योंकि मैं तुझे मार कर खाने वाली हूँ। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा सच किसी को नहीं बताऊंगी, मेरी जान बच दो। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हरी तोती को मार देती है। ऐसी हर रात भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आती और पक्षियों को खाना खाती। लेकिन एक रात भूतिया चिड़िया की आत्मा किचन में खाना ढूंढने लगती है, पर उसे वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अरे ये क्या, इन पक्षियों ने मेरे खाने के लिए किचन में कुछ भी नहीं रखा है। हाय भैया, अब मैं क्या खाऊंगी? आज तो मेरे पेट में भूख के मारे बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। चलो आज पक्षियों को खाया जाए। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को कालू और टुन्नू चिड़ा दिखाई देते हैं। वो उन्हें मारने जाती है। तभी हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उनकी एक भी नहीं सुनती और उन दोनों को मार कर खा जाती है। अगले दिन सुबह फिर से जंगल वालों को दो पक्षियों की आधी खाई हुई लाश मिलती है, जिसे देखकर वो पक्षी डर जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। पता नहीं हमारे जंगल को क्या हो गया है, अचानक से जंगल में पक्षियों की मौत होने लग गई है। सिर्फ मौत ही नहीं, बल्कि हम पक्षी जो अपने घरों में खाना पकाती है, वो भी अपने आप गायब हो रहा है। मुझे तो लगता ही कोई आत्मा या भूत का चक्कर है, हमें बाबा से मदद मांगनी होगी। ये कहकर सब पक्षी बाबा के पास जाते हैं और उसे अपनी समस्या के बारे में बताते हैं। बाबा उनके साथ जंगल आता है और मंत्रों को उच्चारण करने लगता है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आ जाती है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, कौन है तू और इस जंगल के पक्षियों को कौन मार रहा है और उनका खाना कौन चोरी करता है? हाँ, मैं ही हूँ और मैं ही पक्षियों का खाना चुरा कर खा रही हूँ। और जब मुझे खाना नहीं मिलता, तब मैं पक्षियों को ही खा जाती हूँ। और इस वक्त मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर मुझे इस वक्त खाना नहीं मिला तो मैं तुझे भी मार कर खा जाऊंगी। मुझे जल्दी खाना ला कर दो। मैं तुझे खाना ला कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तू मुझे यह बता कि तू भूतिया चिड़िया की आत्मा कैसे बनी और क्यों तू इन पक्षियों का खाना चुरा कर खा रही है? मेरा नाम टूनी था और मैं इसी जंगल में ही अपने पति बंटी और सास बबली के साथ रहा करती थी। एक दिन मेरी सास मेरे पास आकर मुझसे कहती है, सुन बहू, कल घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो तुम ढेर सारा खाना बना लेना और जब तक वो खाना खाकर ना चले जाएं, तब तक तुम खाने को हाथ भी मत लगाना। अगले दिन टूनी बहुत सारा खाना बनाकर रख देती है और मेहमानों के आने का इंतजार करने लगती है कि तभी उसे बहुत तेज भूख लगती है। जब तक मेहमान नहीं आए हैं तो क्यों ना मैं छुपकर थोड़ा सा खाना खा लूं, इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद टूनी भूख के मारे सारा खाना खा लेती है। तभी वहाँ पर टूनी की सास आ जाती है। ये क्या किया तूने बहू, अब मैं मेहमानों को क्या खिलाऊंगी, मेरे तो भाग्य ही फूट गए थे जो मैं इस मोटी पेटू बहू को घर ले आई। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं क्या करूँ, मुझे शुरू से ही ज्यादा खाना खाने की आदत है, थोड़े से खाने से मेरा पेट नहीं भरता। लेकिन मेरी सास और मेरे पति ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे फांसी से लगाकर मार दिया। जब से मैं भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई और पक्षियों का खाना खाने लगी, अब मैं तुझे भी खा जाऊंगी बाबा। ये सुनकर बाबा उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिससे वो वही जलकर भस्म हो जाती है और जंगल वाले उस पेटू भूतिया चिड़िया की आत्मा से मुक्त हो जाते हैं।